हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सर्दियों में आप अपने सफ़ेद बालों को जड़ों से कैसे काला बना के रखें, वो भी लंबे टाइम तक, आज मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखिए, मैंने इसे बालों में अप्लाई किया हुआ है, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। इसे लगाने से आप अपने बालों को बहुत लंबे टाइम तक सर्दियों में काला बना के रख सकते हैं, क्योंकि सर्दियों का मौसम ऐसा होता है, बहुत लोगों को साइनस होता है, मेहंदी लगाकर कोल्ड हो जाता है। तो ये चीज़ जो आज मैंने बालों में लगाई है, ये ऐसे ही इसे लगाकर आप अपने बालों को लंबे टाइम तक काला बना के रख सकते हैं सर्दियों में। और इससे ना आपको कोल्ड होने का डर रहेगा, ना ही आपको साइनस की प्रॉब्लम है, तो वो उसमें कोई दिक्कत होगी। और इसे हर एज वाले इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप 40 के बाद, जैसे 40, 50, 60, 70, 80, आप उसके बाद, आप 40 के बाद आपके बहुत ज़्यादा वाइट बाल हैं, तो आप इसे बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी इसे लगाया हुआ है। तो आप इसे ट्राई करिए कीजिएगा और कैसा लगा वो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जैसे वो आपके साथ वाले भी इसका फ़ायदा उठा सके, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हर कोई इतनी डिटेल में नहीं बताएगा, तो ट्राई कीजिएगा। और चलिए, इसे मैंने कैसे बनाया, इसमें क्या क्या इस्तेमाल यूज़ किया है, वो आगे वीडियो बताऊँगी आपको। इंडिगो हेयर डाई से आप अपने बालों को सर्दियों में लंबे टाइम तक कैसे काला बना के रखें, तो देखिए उसके लिए मैंने एक बर्तन ले लिया है, और इसमें हम डालेंगे 1 कप गर्म पानी, और इसको हम अब इसमें गरम कर लिया है मैंने अच्छे से, ये थोड़ा गरम हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे चुकंदर के पत्ते। अब चुकंदर, या तो आप चुकंदर ले लीजिए साबुत वाली, जैसे साबुत वाली आती है चुकंदर, क्योंकि चुकंदर तो 12 महीने मिलती है, उसको कस के उसका रस निकाल लीजिएगा। अगर आपको डार्क बिरगंडी कलर चाहिए तो, और अगर आपको चाहिए ब्लैक कलर जो इंडिगो से आता है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही पक्का ब्लैक कलर, उसके लिए आप चुकंदर के इस तरीके से पत्ते सुखाकर उनको हाथ से क्रश करके रख लीजिएगा, क्योंकि चुकंदर के जो पत्ते होते हैं उनको, उनका सीरम इंडिगो के साथ भी जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा ब्लैक कलर देते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे लगभग ये 3 चम्मच के करीब चुकंदर के पत्ते हैं, ये मैं इसमें डाल दूंगी, और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और गैस को हम कम कर देंगे, और इसको हम 1 से 2 मिनट में ही हमारा जो सीरम है ना वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो हम इसे 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे, और ये देखिए जो हमारा सीरम था ना चुकंदर के पत्तों का, वो बिल्कुल तैयार हो चुका है पक्के, क्योंकि मैंने इसे कम गैस में पकाया 1 से 2 मिनट तक। अब मैं आपको इसका कलर दिखा देती हूँ, आप देखिए इसका कलर कितना ब्लैक हो चुका है, और ये बहुत ही अच्छा कलर आएगा इसका जब हम इसे इंडिगो के साथ यूज़ करेंगे। तो मैं गैस को बंद कर देती हूँ, और इसको हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ठंडा, अगर हम बहुत ज़्यादा गर्म, इतना बॉयल होता हुआ इंडिगो में डालेंगे तो वो अच्छे से कलर नहीं दे पाएगी, उसका कलर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं, हल्का सा रूम टेम्परेचर पर आने देते हैं, उसके बाद हम इसे इंडिगो के साथ कैसे इस्तेमाल करेंगे और उसमें क्या मिक्स करेंगे और अच्छा सा ब्लैक कलर आए, इसे ठंडा होने देते हैं। और ये देखिए, ये जो हमारा सीरम था वो बिल्कुल पक्के तैयार हो चुका है, और आप इसका कलर देख सकते हैं बिल्कुल ब्लैक हो चुका है। अब चलिए, हम इसे बनाना कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने लिया है इंडिगो पाउडर, आप इंडिगो पाउडर जो भी आपके पास अवेलेबल है वो ले लीजिएगा, और अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, हिना वेदा, गो नेचुरल, 2-3 कंपनियाँ इतनी अच्छी हैं जिनका इंडिगो पाउडर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो अब हम इंडिगो पाउडर लेंगे, और इसमें मैंने आपको बताया था मैं दूसरी हर्ब क्या मिक्स करूँगी जिससे और भी अच्छा ब्लैक कलर आए बालों में, तो इसके लिए हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच भृंगराज का पाउडर। अब भृंगराज का पाउडर डालने का फ़ायदा ये होगा, अगर जो जो लोग बोलते हैं कि उन्हें इंडिगो सूट नहीं करता है तो उन्हें कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा इसका, क्योंकि भृंगराज हर तरीके से बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बालों की ड्राइनेस दूर करता है और बालों को काला बनाता है। तो चलिए, अब इन दोनों हर्ब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, और इसमें डालेंगे अपना सीरम जो हमने तैयार किया था, और ये सीरम बहुत ही अच्छा है, आप इसे बनाकर कम से कम 15 दिन का स्टोर कर सकते हैं, और जब भी आपको सफ़ेद बाल दिखाई दे आप इस तरीके से हर्ब को मिक्स कीजिए और अपना इंडिगो बालों में अप्लाई कर बहुत जल्दी 20 मिनट में, 25 मिनट में आप अपने बालों को अच्छा सा कलर दे सकते हैं। अब देखिए, इन दोनों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इंडिगो के साथ जो मैंने अभी मैंने सीरम डाला है ना, इसको मैंने बिल्कुल ठंडा नहीं करा है, आपको बहुत ज़्यादा बॉयल, बहुत ही ज़्यादा गर्म इंडिगो में, इंडिगो का जो पेस्ट बना रहे हैं बहुत ज़्यादा गर्म में मत बनाना, इतना होना चाहिए कि आप उसे लगा रहे हैं ठंडे के टाइम में तो इस तरीके से हल्का गर्म हो तो आप इसे लगा लेंगे तो ये नॉर्मल रहेगा, जब आप इसे बालों की जड़ों में लगाएंगे तो आपको ठंडा नहीं होगा और ये जल्दी से तैयार भी हो जाएगा। तो देखिए, अब इस ये हमारा पेस्ट है जो बिल्कुल तैयार हो चुका है, और इसको हम थोड़ा सा हल्का सा पतला और करेंगे क्योंकि हम इसे लगाएंगे ब्रश की सहायता से,
क्योंकि इंडिको को ब्रश की सहायता से ही लगाना चाहिए, उससे ना ये बहुत ही जल्दी जड़ों पर वर्क करना शुरू करता है और जड़ें काली होनी शुरू हो जाती हैं। और बहुत लोग सोचते हैं कि इंडिको नुकसान देता है, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिको एक नेचुरल हर्ब होती है, जैसे हम हिना का यूज़ करते हैं इसी तरीके से इंडिको होता है। बस इंडिको का कलर थोड़ा डार्क आता है, थोड़ा ग्रे टाइप का आता है, लेकिन हम उसमें हर्ब के साथ बनाते हैं तो उसका कलर ब्लैक हो जाता है। और हिना का कलर हमारे बालों में मेहरून कलर का आता है, तो इसलिए तो ये दोनों चीज़ें सेम ही हैं, हिना और इंडिको। दोनों की वैरायटी अलग है, कलर का तरीका अलग है, लेकिन कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है इंडिको का। अब देखिए ये पेस्ट हमने बना लिया है और इसको हम ब्रश की सहायता से अपने बालों में लगाएंगे। और लगाने के बाद आपको इसे बिल्कुल साफ बालों में लगाना है, आपके बालों में ऑयल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप इसे लगाकर 20 से 25 मिनट छोड़ दीजिएगा। सर्दियों के टाइम में ये बहुत अच्छा है, इसको आप जैसे बालों में लगा लेंगे तो आप बालों को कवर कर लीजिएगा शावर कैप से या फिर पॉलीथीन से। और उसके बाद आप इसे 20 से 25 मिनट बाद नॉर्मल हर्बल शैम्पू से सिर को वॉश कर लीजिएगा, बहुत अच्छा कलर आएगा। जो लोग सोचते हैं उनके बालों में इंडिको का कलर नहीं आता है या फिर चढ़ता नहीं है, इस तरीके से लगाएंगे तो उनके बालों में फर्स्ट एप्लीकेशन में ही कलर अच्छा आएगा। और अगर बाई चांस आपने केमिकल वाली डाई यूज़ किया तो कोई बात नहीं, आप इसे एक हफ्ते में दो बार लगा लीजिएगा, दूसरी बार में बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। तो ट्राई कीजिएगा और कैसा लगा वो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन।